साथ साथ एक बात बताइए, मैंने सर नदीम अहमद शाह को देखा है कि वो यूट्यूब पे अकाउंटिंग वगैरह पढ़ाते हुए, लेकिन उनका तरीका बहुत पुराना नहीं है क्या? क्योंकि अब जो है चीज़ें हर कुछ अपडेटेड जा रही हैं माशाल्लाह, लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चे सीख रहे हैं अभी भी। देखो अन्नाद, मसला सबसे बड़ा पता है क्या है? पहली बात तो ये कि शाह साहब बहुत बड़े आदमी हैं। मेरे ऐसा आदमी उनके बारे में कलाम करे, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं। और सर नदीम अहमद शाह की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अगर इस दौर में ये कहा जाए कि वो बाबा अकाउंटिंग है, तो बात गलत नहीं होगी। उसकी वजह पता है क्या है? जिस वक्त उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, उस वक्त से लेके आज तक उन्होंने बे इंतहा मेहनत की है, काम किया। मैंने उनसे नहीं पढ़ा कुछ भी, लेकिन आज भी मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी ही किताब से पढ़ रहे हैं। उनका जो काम है, देखो वक्त के साथ साथ अपडेट होना ये तो नॉर्मल सी बात है, और ये तो होता है। लेकिन जहाँ तक बात है उनके इल्म की और जहाँ तक बात है उनके पढ़ाने के तरीके की, तो ये बात ऐसी ही है कि उनके बारे में बात करना, वो बड़े आदमी हैं, उनकी उन चीज़ों पे जो है ना नज़रसानी नहीं करनी चाहिए, नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता उनकी जो लिखी हुई किताब है, अगर तुम उसको देखो तो तुम्हें समझ आ जाता है कि शाह साहब का इल्मी नुक्ता क्या है। और पढ़ाने के अंदाज में मुमकिन है कि वो समझाने के लिए वो आसान तरीका इख्तियार करते हों, लेकिन उनका अपना मिजाज है। और इस चीज़ में मैं समझता हूँ कि काबिले ताज़ीम आदमी है। मैं जब कॉलेज में था तो मैं तो उसी वक्त आस पड़ोस की कॉलेज में पढ़ाता था, तो वहाँ पे होता ये था उनका पे कि हमारे जो प्रिंसिपल थे वो कहते थे कि आप शाह साहब की बुक पढ़ाना चाहते हैं, हमारे रायवल्ली हैं। तो मैं उनको जुमला कहता था कि सर वो हमारे रायवल्ली नहीं हो सकते, मेरे से कई लोग भी आ जाएं तो एक सर नदीम अहमद शाह के बराबर नहीं हो सकते। और मैं तो समझता हूँ कि जब हमारे बच्चे पोजीशन लेते थे कॉलेज में तो उनसे बुलवा के उनसे अवार्ड दिलवाना चाहिए था, क्योंकि वो काबिले ताज़ीम आदमी है और उनकी इज्जत की जानी चाहिए, उन्होंने बड़ी खिदमत की है। तो ये वाली बात मैं समझता हूँ कि इस बात को नहीं तस्लीम किया जाना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कि शाह साहब का तरीका क्या है क्या नहीं है। वो बड़े आदमी हैं, बस उनके बड़े होने की हैसियत से उनकी इज्जत करें, उनकी ताज़ीम करें, और अल्लाह ताला उनका साया हम पर ऐसे ही कायम रखे। उन्होंने जितना पढ़ाया है बहुत बड़ी बात है, शायद तो हम लोग उस उम्र तक पढ़ा भी ना सके, सर ने जितनी मेहनत की है। मैंने उनसे पढ़ा नहीं कभी भी, और मेरी खुश नसीबी होती कि मैं भी उनसे कुछ पढ़ता, लेकिन बस किस्मत की बात है। और अच्छे आदमी है तो मेरे ख्याल से उनकी इन भलाइयों को, इन नेकियों को ज़्यादा देखना चाहिए।